राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, कारकारिणी का बैठक हुआ, जगदानंद सिंह बैठक से दूर रहे? नहीं, ऐसा आप लोग जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। जगदा बाबू को आप लोग यानी जानते ही नहीं है, फिर आप लोगों को अब समय लगेगा उनको जानने में, ऐसी कोई बात नहीं। कोई नाराजगी उनके नहीं पुत्र भी थे, सब लोग तो थे ही, कहाँ किस अच्छा नाराजगी टूट हो रही है, कहाँ कौन सी टूट है, कोई टूट नहीं। अच्छा है, गलत आंकलन करते रहे, फिर वही हाल होगा जो बीजेपी का भी हुआ, गलत आंकलन की वजह से ही ना। ठीक, लालू जी कल सिंगापुर जा रहे हैं भैया? हाँ, तो हम तो आज ही मुलाकात कर ली है, अभी कल वो जाएंगे इलाज के लिए, क्योंकि हम तो फिर सिफई निकल जाएंगे और शाम में उनको सिंगापुर के लिए रवाना होना 7 बजे के करीब, 6-7 बजे के करीब। तो हम लोग जो हैं सिंगापुर आज मुलाकात की है, डॉक्टरों से सलाह लेंगे या ट्रांसप्लांटेशन की बात? नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे ना। देखिए, पहला जो स्टेज आता है वो डायलिसिस का होता है, उसके बाद ट्रांसप्लांट का। तो अब तक परहेज वगैरह करके यहाँ के डॉक्टरों ने कम से कम डायलिसिस वाले स्टेज पर लाया नहीं है, लालू जी अभी डायलिसिस पर नहीं है। और लेकिन वहाँ एक बार जा कर के, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे अच्छे डॉक्टर्स वहाँ ट्रांसप्लांट वांट के लिए भी माने जाते हैं, अब एक बार जा कर के वहाँ कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से वहाँ कि भाई, क्योंकि सर्जरी एक एज के बाद जो है बॉडी लेता है नहीं ले पाता है, तो अभी क्या फिट टाइम है नहीं है, या कैसे ट्रीटमेंट चलेगा जैसा अभी चल रहा है, या उसमें कोई परिवर्तन होगा, तो वहाँ के सलाह के हिसाब से ही होगा। तो वहाँ के डॉक्टर अगर ट्रांसप्लांट के लिए बोलेंगे कि यही बेहतर समय है, नहीं तो और थोड़ा एज हो जाने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों बिंदुओं पे जो है चर्चा की जाएगी वहाँ। तो जसवी जी, एक छोटा सा सवाल है, आप लगातार अनुशासन की बात करते हैं कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है, लेकिन लगातार तेज प्रताप यादव कभी दूसरे नेता पे, कभी दूसरे नेता पे जो देखने को मिलते हैं। देखिए देखिए, राम रजक जी भी मिलने आए थे, देखिए अभी अभी मिल के गए हैं, कोई बात नहीं है ऐसी। देखिए, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, और ये पूरा जो हमको समझ में आया ये पूरा कन्फ्यूजन का ही था। कुछ ऑडियो वायरल भी चला है जी। अब तेजी का से तो बात हुई नहीं है उसमें, तेजी तो दूर दूर तक नहीं थे, क्या उनको बताया गया या ऑडियो में क्या बातें हैं, ज़्यादा हम लोग को इस पर ध्यान देने की जरूरत, जो भी लगा कन्फ्यूजन जो लगा वही था। सब ठीक है, तेज जी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, श्याम रजक जी भी सब ठीक है। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।